नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का सवाल है क्वेश्चन इज इन अ डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज एंगुलर वेट्स ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्मड ऑन द स्क्रीन प्लेट वन मिल वन मीटर अवे वाज फाउंड टू बी 0.2 डिग्रीज सवाल है व्हाट विल बी द एंगुलर वेट्स ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपेरेटस इज इमर्ज इन वाटर और अपने को उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है फोर बाय बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन ये है वाई को अगर एक बार रिवाइज करें तो ये आपकी दो स्लेट्स हैं ये आपका सेटअप कुछ इस प्रकार है कि ये आपकी दो स्लेट हैं एस वन और ये एस टू और यहाँ से जो आपका पहला मिनिमा बनेगा सो यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा आएगा यहाँ पे आपका पहला मिनिमा आएगा फर्स्ट मिनिमा सो फर्स्ट मिनिमा जो आया है उसका जो थीटा है वो अपने को दिया हुआ है ज़ीरो डिग्री राइट ये आपके थीटा की वैल्यू है यहाँ पे। नाउ अब ना सवाल ये कि अब इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमने वाटर uh, में इमर्स कर दिया और उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को फोर बाय थ्री दिया हुआ है नाउ uh, इस वाले केस में हमें पता है कि जो आपकी फ्रिंज uh, वेट है बीटा डैश uh, वो आपकी बीटा डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है सो दैट विल मीन के जो अपना पहला फ्रिंज वेट जिसकी अल आई तो फ्रिंज वेट है अगर हम यहाँ पे एंगुलर वेट की बात करेंगे एंगुलर वेट जो है वो आपका थीटा डैश विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय एन वो भी आपकी इस सेम uh, फैक्टर से कम हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे आपका रिफ्रैक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लेमडा कम हो जाएगा तो यहाँ पे हम फ्रिज uh, वेट को लिखते हैं आपके रिवाइज के लिए मैं लिख देता हूँ जिस uh, इसको लिखोगे डिवाइड बाई एन इन टू बी और ये आपकी थीटा की वैल्यू है ना इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका लैमडा जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाएगा सो so, थीटा डैश विल बी इक्वल टू टू डिग्री डिवाइडेड बाय फोर बाय थ्री तो ये ऊपर आके uh, ये हो जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड तो सिक्स डिग्री डिवाइड बाय फोर यानी कि जीरो पॉइंट वन फाइव डिग्री सो दैट विल मीन ऑप्शन नंबर सी ज़ीरो पॉइंट वन फाइव वुड बी द राइट आंसर